जब ट्रेलर देखा था इस मूवी का वो इतना मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि यार ये मूवी काफी ज्यादा सरप्राइज करने वाली है। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले एलियन रोमुलस मूवी के बारे में। तकरीबन 2 घंटे के आसपास इसकी लेंथ है। अब बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। देखो इस मूवी में जो टाइम पीरियड दिखाया गया बहुत ज्यादा हाई आगे का दिखाया गया, मतलब स्पेसिफिकली दिखाया नहीं गया कि कौन सा टाइम की बात करें, लेकिन एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर इंसान जो है काफी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, अलग अलग प्लेनेट पे रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसी एक प्लेनेट के ऊपर एक कंपनी का राज ऐसे समझ लो जहां पर वो लोगों को मजदूर बनाकर उनके ऊपर गुलामी का शासन चला रही है। तो वहां पर कुछ जो बच्चे हैं, जो टीनेजर हैं, जो यंगस्टर हैं, उस गुलामी से काफी ज्यादा तंग आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि वो इस कंपनी से दूर जा सके, इस ग्रह को छोड़ के जा सके जिस भी ग्रह पे वो रह रहे होते हैं, लेकिन उनके लिए उस ग्रह को छोड़ने के लिए कुछ संसाधन चाहिए। और उनको पता चलता है कि स्पेस के अंदर एक स्पेस सेंटर जो है वो मतलब खराब हुआ स्पेस सेंटर घूम रहा है, उसका यूज करके अब वो इस प्लेनेट को या इस गुलामी से आजाद हो सकते हैं। तो ये यंगस्टर्स जो टीनेजर हैं वो उस स्पेस सेंटर पे जाने का प्लान बनाते हैं। अब वो वहां पर जाते हैं तो इनको मिलता है एलियन। अब वो एलियन से कैसे बचते हैं, क्या उसके आगे प्रॉब्लम आती है, इसके लिए तो देखो आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब काफी सारे लोग सोचेंगे जैसा मैंने इस मूवी के बारे में सोचा था जब इसका मैंने ट्रेलर देखा था कि यार वही सेम कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा जो हमने बहुत सारी मूवीज एलियन वाले मूवीज में देख रखा है, कि एलियन आएगा लोगों को मारेगा और कहीं ना कहीं इंसान जो है वो एलियन को मारने का तरीका ढूंढ लेगा और उसको मार देगा, बस कहानी खत्म, हमें इसमें नया क्या देखने को मिलने वाला है। यही सोचा था मैंने स्टार्टिंग में जब इसका ट्रेलर आया था, बट यार जब मैं मूवी देखी वाकई में इस मूवी ने काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया, क्योंकि जो चीजें इस मूवी के अंदर दिखाई गई है वो यार रोंगटे खड़े कर देती है। देखो यार मुझे जो हॉरर वाली मूवीज होती है जिसमें भूत होते हैं वो मुझे इतना कुछ खास डरा नहीं पाती, खास के मुझे बिल्कुल भी मूवी से डर नहीं लगता, लेकिन जो इस मूवी को मैंने देखा वाकई में काबिले तारीफ है। जो मेकर्स हैं उन्होंने एक वो डर जो है वो कायम रखा है। यहाँ पर जिस तरीके के मैंने जब इसमें सीन देखे हैं वाकई में मैं डर गया यार इस मूवी के कुछ ऐसे सीन देखकर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अगर धैर्य कम है, आपको लगता है कि मुझे तुरंत जाते ही मूवी के अंदर मुझे एंटरटेनमेंट मिल जाए, एंजॉयमेंट मिल जाए, तो यार थोड़ा सा तो धैर्य रखना पड़ेगा, आपको अचानक से चीजें नहीं मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। भाई आपको एक कहानी डेवलप होने में तो टाइम चाहिए होता है ना, तो वही एक चीज है, आप कहानी में थोड़ा बहुत बने रहिए, फिर इसके बाद जो मूवी में एक एंजॉयमेंट मिलता है, जो एक डर, एक जो चीजें सरप्राइज जो आपको मिलता है वो वाकई में कमाल होती है। इसके जो करेक्टर है, हालांकि उनके जो डेवलपमेंट है यानी करेक्टर डेवलपमेंट इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन बावजूद उसके भी आप जो करेक्टर्स होंगे उनकी परवाह करेंगे, आपको लगेगा यार ये करेक्टर जो है वो यार मर ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके प्रति आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाएगा। मुझे नहीं पता वो कैसे, लेकिन मैंने तो ऐसा फील किया जब इस मूवी को मैंने देखा। और एक जो डर है इस मूवी में, मैं कह सकता हूँ कि जब आप थिएटर से बाहर निकलेंगे तो वो एक इमेज आपके दिमाग में रहेगी कि यार हाँ यार मैंने उस तरीके का एक एलियन देखा है, यार वो काफी ज्यादा भयानक था, वो इमेज आपके दिमाग में काफी देर तक बनी रहेगी। जो भी करेक्टर है उनके प्रति जैसे वो जैसे लड़े हैं या फिर जो भी उनके साथ हो वो चीजें आपके दिमाग में चलती रहेंगी। मैं बस बोलते बोलते रह गया, स्पॉइलर आ जाता, फिर वो मुझे आप ही ब्लेम करने लग जाते कि यार तूने बता दिया इस मूवी में क्या हुआ है, कौन क्या। खैर बीच में बारिश आनी स्टार्ट हो गई, खैर वो जो चीजें कुछ बाहर जो टंगी हुई थी उनको अंदर रखा है क्योंकि वो भीग जाती, फिर घर पे डांट बहुत ज्यादा पड़ती। खैर बात करते हैं मूवी पे, फोकस करते हैं कि देखो इसके अंदर एक मिनिएचर चीज जो है वो यूज की गई है। मिनिएचर क्या होता है कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा वो चीजें, अगर मैं यहाँ समझाने बैठा या फिर मेरे पास वो प्रॉपर चीज नहीं है आप लोगों को वो समझा सकूं, आप यूट्यूब पर देखेंगे ना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मिनिएचर क्या है। जो पुरानी मूवीज के अंदर मिनिएचर यूज किए जाते थे, मतलब VFX CGI उस वक्त कम हुआ करते थे, आज के इस डेट में जहां पर VFX CGI का युग है वहां पर मिनिएचर यूज करना और बहुत अच्छे से यूज करना वो बहुत काबिलियत तारीफ है। जो इस मूवी में यूज किया गया बहुत बढ़िया लगा है, और VFX CGI ऐसा नहीं है कि वो यूज नहीं है, वो यूज है लेकिन वो लिमिटेड यूज किया गया उनको। और इसका जो कैमरा वर्क है मूवी के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़िया है, स्पेस को लेकर जो चीजें हमारे सामने दिखाई गई है, जो भी इसके अंदर सुंदरता जिस तरीके की विजुअल जो हमें देखने को मिलते हैं वो काबिलियत तारीफ है, मतलब वो देखकर बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। जो आपने देखा होगा कि एस्टेरॉयड बेल्ट होती है किसी ग्रह किसी प्लेनेट के उसके इर्द गिर्द घूमी हुई होती है, तो वहां पर जो एस्टेरॉयड बेल्ट को दिखाया गया है उसकी खूबसूरती को दिखाया गया है वो काफी ज्यादा सुंदर देखने को मिली है। और फिर जो एलियन की एंट्री होती है यार वो बहुत ज्यादा बढ़िया मुझे लगी, वो बहुत डरावनी है वाकई में, जिस तरीके का उसकी उत्पत्ति उत्पन्न पैदा होना जो इस मूवी में देखने को मिला है वो यार वाकई में भयानक है। और इसकी जो एंडिंग है मूवी की वो भी काफी ज्यादा बढ़िया मुझे लगी, तो क्योंकि यार वो एंडिंग में जो मिक्सचर दिखाया गया तो वो किस चीज का मिक्सचर दिखाया गया मैंने बताया आप लोगों को तो फिर वो स्पॉइलर चला जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी इसके अंदर चीज वो मतलब वो आपके पास जाए जिससे आपका इंटरेस्ट खराब हो, नहीं, मूवी स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक वाकई में आपका एक इंटरेस्ट बनाए रखती है। और इवन एक ऐसा टाइम आता है कि आपको लगता है यार यहाँ पर मूवी खत्म होगी होगी, नहीं, उसके बाद एक और क्लाइमेक्स आ जाता है, आपको लगता है कि यार इसने तो सरप्राइज कर दिया, जो मतलब भाई मुझे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना पड़ रहा है, वो बहुत बढ़िया चीज थी। एंडिंग की बात
बात करो, एंडिंग में जिस तरीके की जो चीजें, मैंने एक पल सोच लिया यार बस अब यहाँ पर तो मूवी खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, उसके बाद भी मूवी कंटिन्यू करती है, वो बहुत बढ़िया बात है, जो इंटरेस्ट लेवल बनाए रखती है। अब ये हो गई मूवी की अच्छी अच्छी बातें, अब इसके अंदर कोई कमियां हैं या नहीं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो मूवी की कहानी से आप ज्यादा उम्मीदें मत लगा लेना, मूवी प्रेडिक्टेबल है, इसकी स्टोरी प्रेडिक्टेबल आपको लगेगी। अब मैंने आईएमडीबी के ऊपर इसकी रेटिंग के बारे में देखा तो वहां पर काफी सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज कर रखा था, क्योंकि वो एलियन फ्रेंचाइज को लेकर काफी सारी मूवीज ऑलरेडी देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो ये मूवी है कॉपी पेस्ट है, इसके काफी सारे सीन जो है वो कॉपी पेस्ट किए गए, इसके जो डायलॉग है वो ही कॉपी पेस्ट किए गए हैं, जो पुरानी एलियन मूवीज जो थी 1979 या 1976 के टाइम में आई हुई या 80 के दशक में आई हुई वहां से कॉपी पेस्ट किए गए हैं। हालांकि मैंने वो नहीं देखी है तो मैं नहीं कह सकता कि वही कॉपी पेस्ट है या फिर वो मूवी कैसी थी। अगर आप लोगों ने वो मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि वो कैसी मूवी है। तो देखो मेरी तरफ से तो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो डेफिनेटली आप, अगर आपकी शादी हुई है तो अपनी वाइफ के साथ डेफिनेटली इसको देखने जा सकते हैं, लेकिन बच्चे इस मूवी को देखने ना जाएं, और मतलब अपने दोस्तों के साथ भी डेफिनेटली आप इस मूवी को देख सकते हैं। हिंदी डबिंग की बात करें तो हाँ, हिंदी डबिंग भी काफी बढ़िया है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।